फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो फ्रेंड्स स्टिकरिंग के ऊपर है। आज मैं अपनी 164V की स्टिकरिंग आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने बहुत ही कम स्टिकरिंग इस पे करवाई है, सिंपल स्टिकरिंग करवाई है। अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने एक मॉन्स्टर एनर्जी का स्टिकर लगवाया, तो आप देख सकते हैं ये दूर से काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपना एक इंस्टाग्राम का हैंडल लिखवा रखा है और इस पे 3D लोगो लग रहा है इंस्टाग्राम का। तो कुछ इस तरह लुक आता है इसका आगे से देखने पर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगता है ये फ्रंट से। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक 16 लिखवा रखा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है दूर से देखने पे फ्रेंड्स, कुछ इस तरह लुक आता है इसका। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक यहाँ पे डेंजर लिखवा रखा है, ये स्टिकर है फ्रेंड्स, ये लिखवाया नहीं है, ये 3D स्टिकर है। फिर फ्रेंड्स अपने YouTube के चैनल का नाम आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने मेरी LED लाइट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे भी देखें, ये मैंने LED लाइट्स लगा रखी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखवा रखा है विद लोगो, तो पीछे से कुछ इस तरह लुक आता है बाइक का। इसके बाद फ्रेंड्स एक काउसन का स्टिकर, जैसा वो डेंजर वाला था ऐसा ही ये काउसन का है, तो काफ़ी प्यारा लगता है ये स्टिकर। पीछे एक भी फालतू स्टिकर नहीं लगवाया मैंने, बहुत ही कम स्टिकरिंग करवाई है, बाकी पूरी गाड़ी पे कहीं भी स्टिकर नहीं दिखेंगे। एक ये मूसे वाले का। फिर फ्रेंड्स मेरे इसके बैली काउल पे बहुत स्क्रैच आ गए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रैच भी दिखेंगे वाइट वाइट। तो कुछ तो मैंने ठीक कर लिए थे नेल पेंट से, कुछ पे मैंने स्टिकरिंग करवा दी, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस पे ये काफ़ी अच्छा लगता है दूर से। एक फ्रेंड्स मैंने ये मास्टर सिलेंडर पे लिखवाया है 16। इसके बाद फिर से अपना इंस्टाग्राम हैंडल, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह लुक आता है बाइक का देखने पर।